जब आपने मेलिंग लिस्ट क्रिएट कर ली है तो अगला स्टेप जो है वो आता है कैंपेन डिजाइनिंग का और कैंपेन डिजाइनिंग मेल चिम्प के अंदर बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और किस तरीके से होती है आइए चलते हैं वापस सॉफ्टवेयर के अंदर और मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ डू यू डिवेल्प ए कैंपेन इन मेल चिम्प आपके मेन स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो राइट साइड के ऊपर आपको क्रिएट कैंपेन का बटन भी नज़र आ रहा होगा टॉप के ऊपर आपको एक क्रिएट का बटन भी नज़र आ रहा होगा आई डोंट नो व्हाई देर आर टू बटन फॉर द सेम रीजन लेकिन यू कैन क्लिक तो ऑन द क्रिएट कैंपेन बटन और आपके सामने एक पॉपअप खुल जाएगा और ये पॉपअप जो है उसके अंदर आपको गाइडेंस uh, दे रहा है बेसिकली मेल चिम कि आपने क्या करना है फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट द ई मेल कैम्पेन एड कैम्पेन लैंडिंग पेज मैंने बनाना है फॉर एग्जाम्पल तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि लेट्स से मैं पोस्ट कार्ड बनाना चाहता हूँ विच इज़ एक्चुअली द न्यू फंक्शन सो लेट्स ट्राई दैट आई क्लिक ऑन द क्रिएट अ पोस्ट कार्ड कैम्पेन का नाम जो है वो है ईद पोस्ट कार्ड कैम्पेन उसके बाद आई विल क्लिक ऑन दिस बिगिन बटन बिगिन के बटन पर दबाने से पहले एक चीज़ ज़रा देख लें कि पोस्ट कार्ड का जो फंक्शन है मेलचिम के अंदर दैट इज एक्चुअली नॉट फॉर फ्री विच मीनस यू कैन नॉट यूज़ दिस कैम्पेन एट ए स्केल जिस तरह आप ई मेल्स को यूज़ करते हैं और हज़ारों लोगों को भेजते हैं तो दिस यू कैन सेंड दिस पोस्ट कार्ड टू ओनली स्पेशल कस्टमर्स के जो आपके हाई पेड कस्टमर हैं और जिनको आप वो भेजना चाहते हैं तो क्लिक ऑन दिस बिगिन बटन टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, में मेल चम कह रहा है यू कैन रीड द टर्म्स एंड कंडीशन बाई विल क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट और अब मेरे सामने ईद पोस्ट कार्ड कैंपेन की जो मेन स्क्रीन है वो खुल गई है अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं जो मेलचम हमें प्रोवाइड कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन एडिट द नेम ऑफ द कैम्पेन लिव इट एज इट इज़ आई थिंक द कैम्पेन नेम इज़ फाइन किन लोगों को ये भेजना है लेट्स क्लिक ऑन द एड रिसपी बटन और ये देखें दोबारा अब यहाँ अगर आपके पास लिस्ट ना होती तो यू कैन नॉट एक्चुअली सेंड दिस पर्टिकुलर कैंपेन मैसेज टू एनी वन यू कैन सेलेक्ट द की लिस्ट हमने कैनेडा क्लाइंट लिस्ट एक बनाई थी उस पर हम क्लिक कर लेते हैं बजट आपने कितना लगाना है इस पर्टिकुलर पोस्ट कार्ड को भेजने के लिए यू कैन सेलेक्ट दैट ओवर है लेकिन उससे पहले व्यू पोस्ट कार्ड प्राइसिंग एक से पचास पोस्ट कार्ड अगर आपने भेजने हैं तो अट्ठारह सेंट की पोस्ट कार्ड की प्राइस है और तकरीबन सत्ताईस से सेवेंटी नाइन सेंट उसकी पोस्टेज प्राइस है तो इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ प्राइसिंग सिंस दिस इज़ द न्यू फंक्शन लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी मेरा बजट जो है वो पंद्रह डॉलर है पंद्रह डॉलर से ज़्यादा मैंने स्पेंड नहीं करना तो आई विल सेलेक्ट फिफ्टीन डॉलर है पंद्रह डॉलर में जितने लोगों तक वो जाएगा उस लिस्ट में से मेल मिल क्लिक ऑन द सेव बटन यहाँ अगर आप एक चीज नोट करें तो हो सकता है कि ये मैसेज आपके सामने भी अपेयर हो रहा है वी हैव ट्रेवल बिल्डिंग योर ऑडियंस उसकी रीजन ये है कि जो हमने डाटा इनपुट किया था वो डाटा हमने प्रॉपरली फॉर्मेटेड तरीके से इनपुट नहीं किया तो आपको जो भी आप डाटा इन रियलिटी पुट इन कर रहे होंगे उसमें जो एड्रेसेज हैं उसको आप प्रॉपरली फॉर्मेट करे होंगे दिस इज द गाइडेंस

पोस्ट कार्ड आई होप एवरी वन ऑफ अस नो पोस्ट कार्ड की एक फ्रंट साइड होती है एक बैक साइड होती है ये अक्सर जो है वो अगर आपको याद हो तो पहले ज़माने के अंदर जब लोग किसी मुल्क जाया करते थे तो वहाँ से पोस्ट कार्ड भेजा करते थे और उसके ऊपर सर्टेन मैसेज हुआ करते थे बैक uh, एंड के ऊपर उसके ऊपर टिकट लगती थी सेम थिंग गोज़ फॉर अ डिजिटल पोस्ट कार्ड तो यू कैन एक्चुअली अपलोड एन इमेज फ्राम हेयर फॉर द फ्रंट एंड देन देर इज अ बैक जिसके ऊपर आपने हेडिंग करनी है तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ ईद मुबारक पोस्ट कार्ड राइट साइड पे देखें तो प्रीव्यू इसका साथ साथ चेंज हो रहा होगा वी एप्रिशिएट योर बिजनेस थैंक्स फॉर बीइंग ए वंडरफुल कस्टमर आप प्रोमो कोड यहाँ ऐड कर सकते हैं अगर आप उनको एक डिस्काउंट ऑरियंटेड पोस्ट कार्ड भेजें विच इज ऑलवेज अ गुड आइडिया यहाँ प्रोमो ऐड करने के लिए यू एक्चुअली नीड टू कनेक्ट योर स्टोर जो भी ऑनलाइन आपका स्टोर है उसको आप जब आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो आप प्रोमो कोड ऐड कर दें अक्सर पोस्ट कार्ड्स पर प्रोमो कोड होते हैं विच द कस्टमर कैन यूज एंड परचेज स्टफ ऑनलाइन लोगो आप यहाँ जब अपलोड करेंगे तो इट विल अपेयर ऑन दी फ्रंट के अंदर भी चूंकि इस वजह से कुछ नहीं आ रहा बिकॉज देर इज नो इमेज विच आई हेव सेटेड बट जब आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो इट विल

जो लैंडिंग पेज कैंपेन है उसको आप बना के देख सकते हैं उसके फंक्शन को आप ट्राई कर सकते हैं इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल प्रोसेस कोई ऐसी कोई टेक्निकल इसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी ज़रूरत है इसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद ताकि जब आपको एक्चुअल फ्री की जॉब मिले रिलेटेड टू मेल सो यू आर ईजी टू डू दैट जॉब